श्री शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको रविवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बताने वाले हैं। इस रविवार के दिन वह दिन शुभ योग बन रहा है, क्योंकि इस दिन है छठी पूजा। इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हो, आपके जीवन में सूर्योदय होता है, अर्थात सौभाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है। इसलिए यह दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज इस उपाय को करने से आपके जीवन में व्यापार की वृद्धि होगी, नौकरी में सफलता की प्राप्ति होगी, धन की अगर आपको कमी महसूस होती है तो जीवन में धन की प्राप्ति होगी, यश और कीर्ति का भाव लगता है तो यश की प्राप्ति होगी, मनोकामना अधूरी है तो वो कामना भी पूरी होगी। अर्थात एक उपाय करने से कम भी 5 लाभ मिलने वाले हैं। यह योग बहुत लंबे समय बाद अद्भुत योग लेकर आया है, इसलिए इस दिन इस उपाय को अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिस समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहाँ तो जरूर शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनकी भी समस्या सॉल्व हो सके। सब्सक्राइब करते हुए आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इस उपाय को करने के लिए आपने 3 शमली के पत्ते ले लेने हैं, और साथ में आपको जरूरत होगी थोड़े से शहद की। इसके साथ ही आपने 1 लोटा जल लेना है। कोशिश करनी है आपने मटके से ही यह जल भरें, क्योंकि मटके से जल भरने से आपके जीवन से पितृ दोष की भी समाप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। इन तीनों सामग्रियों को लेकर आपने पहुंच जाना है शिवालय। आपने सबसे पहले जो 1 बेलपत्र लेना है, आपने इस लोटे में भर लेना है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे यह लोटा महादेव पर समर्पित कर देना है। उसके बाद दूसरा शमी पत्थर आपने शोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, जिसकी डंडी का भाग होगा शोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा शिवलिंग की तरफ। उसके बाद जो तीसरा बेल पत्थर होगा, आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से शहद लगाना है। अपने मन की बात कहते हुए, नाम और गोत्र कहते हुए सबसे पहले यह आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रखनी है, और उसके बाद आपने उठाकर गणेश जी वाले स्थान पर रख देनी है, और फिर थोड़ी देर में उठा के आपने इसे महादेव पर समर्पित कर देनी है। ऐसा करने से आपके जीवन के हर तरह के दोष भी समाप्त होते हैं, धन संपदा की अपार प्राप्ति होती है, कामना पूरी हो जाती है, कोई भी काम आपके अटक रहे हों वो भी पूरे होते हैं। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो आते जरूर शेयर भी कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा करने से वीडियो अपलोड होती आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।